हेलो फ्रेंड्स, विशांग प्रॉपर्टीज़ एंड कंस्ट्रक्शंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने विजिट की थी एक 4 BHK विला की, जो 25x24 स्क्वायर फीट के साइज़ में बना हुआ था। आज हम उसी विला के साथ में बना हुआ जो 25x50 का प्लॉट था, उसके हाफ में ये दूसरा विला बना हुआ है, उसकी विजिट करेंगे। उस पिछले विला की तरह इसमें भी यहाँ पार्किंग है, लेकिन सिर्फ बाइक के लिए। ये देख पा रहे हैं, इसमें सिर्फ बाइक आ सकती है, कार का कोई चांस नहीं है। तो बाइक के लिए आइडियल पार्किंग है। बाकी यहाँ पे वास्तु के अनुसार वाटर टैंक दिया है, सामने विंडो है और ये यहाँ पे डोर दिया है। चलिए अब इस डोर को खोल के देखते हैं। उससे पहले देख ली, ये ओवरऑल व्यू है गैलरी का, और उसके बाद में हम एंटर होते हैं मेन डोर से। तो सामने आपको ये फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयर्स और ये दरवाजे दिखाई देते हैं, और यहाँ पर ये किचन है। देखिए छोटे से हॉल में ये आपको एल शेप में मॉड्यूलर किचन बना के दिया गया है। ब्लैक ग्रेनाइट टॉप है, साइड में सिंक है। किचन के पास में आपको ये जो डोर नज़र आ रहा है, ये ले जाता है आपको बैक साइड में वेंटिलेशन स्पेस में। ये छोटा सा वॉशिंग एरिया भी है, ये देखिए ऊपर आयरन ग्रिल दी गई है। वेंटिलेशन स्पेस से चलिए आ जाते हैं वापस बाहर की तरफ और एंटर होते हैं लेफ्ट साइड के फर्स्ट डोर में। देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पे नज़र आता है आपको ये रूम नंबर 1। आपको मैं बता दूँ कि ये 4 BHK विला है, जो आपको गंगासाई पट्टे के साथ यानी लोनेबल प्रॉपर्टी मिलती है। साइज़ की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 25x49 में दो विला बने हुए हैं, तो डेफिनेटली साइज़ होगा 25x24 स्क्वायर फीट। और ये देखिए ये डोर नंबर 2, इसमें एंटर होते ही सामने आपको ये टॉयलेट और बाथरूम और पीछे वेंटिलेशन स्पेस में खुलता हुआ ये रोशनदान नज़र आता है। यहाँ पे अभी बाथिंग एसेसरीज लाइक कमोड, टैप वाटर नल वगैरह ये सब लगने बाकी हैं, वो कस्टमर को उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग लगा के दी जाएगी। और आ जाते हैं हम वापस बाहर की तरफ। बैक साइड में आपने देखा ये किचन था, और यहाँ पे ये एक और दरवाज़ा है, इसमें आपको मिलता है ये गेस्ट रूम कम ड्राइंग रूम, जो बाहर की तरफ रोड साइड में विंडो खुलती है यहाँ पर। और ये ओवरऑल व्यू है देखिए यहाँ से बैक पोर्शन का। तो इस वेंटिलेशन स्पेस में भी अंदर एंटर होने पर देखते हैं, ये बेडरूम नंबर 1 की विंडो इसमें ओपन होती है, और साथ ही टॉयलेट का रोशनदान भी है सफोकेशन ना हो इसके लिए। छत पे आपको आयरन ग्रिल मिलती है, लाइट के लिए प्लग लगा हुआ है। और ओवरऑल इस छोटे से विला के अंदर आपको प्रॉपर वेंटिलेशन और सारी फैसिलिटीज़ मिलती है जो आप एक 4 BHK विला में एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम वापस बाहर की तरफ और चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो ग्राउंड फ्लोर प्लान में आपने देखा दो बेडरूम, ओपन किचन, लेट बाथ का एक सेटअप यही था, और दो वेंटिलेशन स्पेस थे। और यहाँ से ये देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रही है स्टेयर्स पे आयरन ग्रिल और ब्लैक ग्रेनाइट टॉप। तो आ गए हम अब ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे अगेन आपको खूब सारे दरवाजे नज़र आ रहे हैं, और ये रूफ टॉप पर जाने के लिए स्टेयर्स है यहाँ पे, ये देखिए। और आ जाते हैं इस स्पेस में, ये आपको एक प्रॉपर सेपरेट हॉल दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ से देखिए कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। आप चाहें तो इसमें किचन का सेटअप भी लगवा सकते हैं, नहीं तो वैसे अगर 4 BHK में अगर छोटी फैमिली रहती है तो आई थिंक नीड नहीं है। और ये यहाँ से ही देखिए खूबसूरत नज़ारा, सेफ्टी आयरन ग्रिल लगी हुई है, और ये गैलरी आपको दी गई है। और यहाँ से ही देखिए काफ़ी बड़ा हॉल है, और इस बैक डोर में देखते हैं यहाँ पे क्या है। आई होप यहाँ पे वेंटिलेशन स्पेस होगा। तो ये देखिए वेंटिलेशन स्पेस है, वही आयरन ग्रिल और ऊपर भी, और हॉल में खुलने वाली एक वेंटिलेशन विंडो है, और साथ ही साथ ये सामने रूम में भी एक विंडो जो यहाँ पे वेंटिलेशन की तरफ खुलती है। अब वापस आ जाते हैं हम हॉल में। यहाँ पे आपको मिलता है इस बेडरूम में रूम नंबर 3, ये देखिए, और वहाँ पे वो डोर वेंटिलेशन स्पेस में खुलता है अगेन। ये देखिए वेंटिलेशन स्पेस वाले डोर को खोलने पे आपको नज़र आता है यहाँ पे टॉयलेट और बाथरूम का सेटअप। सिमिलरली यहाँ भी आपको बाथिंग एसेसरीज अभी लगा के नहीं दी गई है, लेकिन ये जब अगर आप परचेज करते हैं इंटरेस्टेड हैं तो फाइनल करके आपको कंप्लीट करके दिया जाएगा।
वापस आ जाते हैं बेडरूम नंबर 3 में और चलते हैं बाहर की तरफ। तो ये वेंटिलेशन स्पेस था, एक बेडरूम था, ये हॉल है और उसके बाद आगे की तरफ इस डोर में एंटर होने पे आपको नज़र आता है 2 दरवाजे। तो पहले हम खोलते हैं लेफ्ट साइड वाले को। तो यहाँ पे अगेन आपको टॉयलेट और बाथरूम का एक और सेटअप मिलता है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर में आपको एक टॉयलेट और बाथरूम का सेटअप दिया गया है और फर्स्ट फ्लोर पे आपको 2 टॉयलेट और बाथरूम के सेटअप दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ से बाहर आने पे जो आपको लेफ्ट साइड में एक और डोर नज़र आ रहा है उसको हम ओपन करके देखते हैं। तो ये डोर ओपन होता है यहाँ पे ओपन स्पेस में, ये देखिए काफ़ी बड़ी बालकनी दी गई है और मॉडर्न एलिवेशन के साथ है, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। तो मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा कि ये 4 BHK प्रॉपर्टी नहीं, ये एक 3 BHK प्रॉपर्टी है, क्योंकि पहले वाले विला में 4 बेडरूम थे तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे भी 4 बेडरूम होंगे, लेकिन यहाँ पे बेडरूम की जगह आपको एक बड़ा हॉल दे दिया गया है। तो अगर आप चाहें तो उसको एज ए रूम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब फाइनली बात करते हैं इस प्रॉपर्टी की आस्किंग प्राइस की। ओनर ने इसकी आस्किंग प्राइस 42 लाख रखी है और अगर आप इस प्रॉपर्टी को ख़रीदने या विजिट करने में इंटरेस्टेड हैं तो स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पर आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई प्रॉपर्टी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, धन्यवाद।